हेलो दोस्तों, नमस्कार जोहार। आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रामगढ़ टेक में। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की तमाम झारखंड और देश से जुड़ी 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। झारखंड चुनाव से पहले 4.5 लाख का गांजा बस में जब्त। बिहार और यूपी के 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। इरफान अंसारी के विवादित बयान पर इंडिया गठबंधन ने साधी चुप्पी। सीता सोरेन हुई भावुक। कल्पना सोरेन बोली, सिल्ली को बांटने वाली पार्टी है आजसू। अमित महतो को वोट दे, जेएमएम को भारी मतों से विजय बनाए। चाईबासा में झामुमो प्रत्याशी दीपक बरुआ ने चलाया जनसंपर्क अभियान, लोगों से मांगा वोट। जेपीएससी जेएसएससी की तैयारी करने वाले छात्रों ने कहा, हमारी अनदेखी सरकार को पड़ेगा भारी, मुंह तोड़ देंगे जवाब। झारखंड चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र से जब्त किए अब तक 558 करोड़ रुपया। बीजेपी झूठ और नफरत का शोरूम। झारखंड चुनाव से पहले सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 6 से 11 नवंबर तक झारखंड के कई जिलों में होगी बारिश, इसको लेकर मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। मंडल मुर्मू के सिर पर 50 लाख रुपए का इनाम। सिर काटने पर इनाम का व्हाट्सएप चैट वायरल। चंपाई सोरेन ने जताई चिंता, लिखने वाला हुआ अरेस्ट। झारखंड के मॉडल से देखिए छठ की खूबसूरती। भास्कर के लिए किया है स्पेशल फोटोशूट। खरना को लेकर अर्ध तक का बताया महत्व। छठ में झारखंड में मौसम रहेगा शुष्क, सुबह से छाएंगे कोहरा। 11 नवंबर तक मौसम रहेगा सामान्य। जेई एडवांस परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, अब 2 की जगह 3 बार परीक्षा दे सकेंगे स्टूडेंट। रांची के विश्वविद्यालय में कॉलेज कैंपस में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लग गया है प्रतिबंध, प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर लगेगा जुर्माना। झारखंड कंबाइंड नर्सिंग काउंसलिंग शुरू, पहले राउंड काउंसलिंग में जीएनएम में 3201 और एएनएम में 3131 सीटें रिक्त। कांग्रेस झामुमो और राजद तीनों भ्रष्टाचार के फरिश्ते हैं, सीएम योगी ने दिया बड़ा भाषण। रांची में रोजाना 100 गाड़ी से पहुंच रहे फल, आंध्र प्रदेश व बंगाल से आ रही है केले की कांदी। इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान, फरमान छुट्टी रद्द कर शीघ्र वोटर आईडी कार्ड पहुंचाए डाक विभाग के माध्यम से। चुनाव को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने दिया बड़ा आदेश। निर्जा सहाय डीएवी के विद्यार्थी ने छठ पूजा घाट का किया साफ सफाई। हेलीकॉप्टर रोककर हेमंत सोरेन की सुरक्षा से हुआ खिलवाड़, झामुमो पार्टी ने जताया दुख। झारखंड में बागियों पर भाजपा का एक्शन, 30 को दिखाया बाहर का रास्ता। कई लोगों का आया नाम सामने, कई दिग्गजों का टिकट से नाम कटा। झारखंड में कई जगहों पर सीबीआई के छापे, भारी मात्रा में कैश बरामद। मंगाई गई है कैश गिनने के लिए मशीनें। कल्पना सोरेन, मीरा मुंडा सहित कई नेता पत्नियां दिखाएंगी झारखंड में अपना कमाल, संभालेंगी कमान। राजनीति में उतर कर किया बड़ा बेमिसाल काम। छठ को लेकर 8 से 22 नवंबर तक चलेगा 446 स्पेशल ट्रेन। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने किया बड़ा फैसला, 139 में कॉल करके ले सकेंगे इसकी जानकारी। नहीं लूटने देंगे जल जंगल और जमीन, करेंगे एक और उलगुलान। दुमका में शिवराज सिंह चौहान के भाषण की बड़ी बात। भाजपा की लिस्ट आते ही भाजपा को लगा दूसरा बड़ा झटका, कई बड़े चेहरे कांग्रेस में हो गए हैं शामिल। छठ पूजा को लेकर बदल रही है पटना की यातायात व्यवस्था, अशोक राजपथ के सभी एंट्री पॉइंट होंगे बंद। गुंडा राज खत्म करने वाले वोट देंगे कांग्रेस को, जमशेदपुर में बोले सचिन पायलट। डेंगू का कई राज्यों में बढ़ गया है कहर, कोलकाता के बाद अब झारखंड में भी दिखा 100 से ज्यादा डेंगू का मरीज, अस्पतालों में मची हड़कंप। चाईबासा में मोदी की सभा से जाते लोग बोले, वोट देंगे जेएमएम को, हम तो सिर्फ मोदी सरकार को देखने आए थे। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है युवक का वीडियो।
सरायकेला में जीत को लेकर आश्वस्त चंपाई सोरेन, विरोधी गणेश महली बोले टाइगर का मुकाबला बब्बर शेर से। चूल्हा खर्चा दिया नहीं, मैया बप्पा योजना लेकर आ गए, हेमंत सोरेन सरकार पर बरसी रघुवर दास की बहू पूर्णिमा। 15 लाख का बीमा, 450 रुपये में मिलेगा सिलेंडर। झारखंड में इंडिया ब्लॉक गठबंधन ने 7 गारंटी देने का किया ऐलान, महिलाओं को दिया जाएगा दिसंबर महीना से 2500-2500 रुपया प्रति महीना। झारखंड चुनाव से पहले सीबीआई ने 16 ठिकानों पर मारा छापा, 1 किलो सोना व 50 लाख रुपया हुआ बरामद। सीएम हेमंत सोरेन ने लातेहार में 2 स्थानों पर किया चुनावी सभा, बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने का लगाया आरोप। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर खड़गे का पलटवार, बोले बांटने वाले भी यही, काटने वाले भी यही। 3 राज्य 16 लोकेशन, नींबू पहाड़ के स्टोन माइनिंग केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन, कैश सोना चांदी हुआ बरामद। 2500 रुपया सम्मान राशि, 7 किलो अनाज, 15 लाख का बीमा। झारखंड चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने कई वादे किए और 7 गारंटी का किया ऐलान। भाजपा की सरकार बनते ही घुसपैठिए होंगे बाहर, देवघर में बोले निशिकांत दुबे। पत्थरबाजों को ताकत का एहसास कराइए, ये घर में घंटी भी बजाने नहीं देंगे। झारखंड में रैली के दौरान सीएम योगी का विवादित बयान हो रहा वायरल। बिहार झारखंड स्टूडेंट के लिए खुशखबरी, बिहार में स्वास्थ्य विभाग में 46,000 पदों पर होगी बहाली, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया जानकारी। झारखंड में आचार संहिता उल्लंघन के 31 केस, कितने करोड़ के अवैध सामान और क्रैश हुआ जब्त। 4,77,600 रुपये का ब्राउन शुगर जब्त, आदित्यपुर में 2 गिरफ्तार, मुस्लिम बस्ती के पास रेलवे लाइन के पास धराए सभी अपराधी। झारखंड में पीएम मोदी का भाषण का एनालिसिस, आदिवासी को सुधारने के लिए सोरेन परिवार का नाम नहीं लिया, घुसबैठ और रोटी बेटी माटी पर जोर लगाया। मोदी झारखंड में भ्रष्टाचार पर बोले, हेमंत का जिक्र नहीं करूंगा, जेएमएम राजद कांग्रेस को परिवारवादी कहा, भाजपा ने 18 सीटों पर नेताओं के रिश्तेदारों को उतारा। 8 जनजातियों को एक भी टिकट नहीं, झारखंड में राजनीति रूप में अछूत बनी आदिम जनजाति, किसी पार्टी में नहीं मिले कोई भी आदिम जनजाति के नेता को टिकट। झारखंड के गिरिडीह से बड़ी खबर, छठ पर गंदगी ना फैलाए इसलिए बुजुर्ग महिला को घर से निकाला, फिर भी नहीं चल सकती, 75 साल हो गया है उम्र खिरिया देवी का, अब तंबू में रहने पर हो रही है मजबूर।